Hi everyone, welcome to Abhimanyu IAS. My name is Rohit Garcha and this series is called To The Point. Abhimanyu IAS is a platform which prepares you for your UPSC and PCS journey. It has more than 23 years of experience, has given out more than 2200 positive results since 1999. To The Point एक ऐसी series है जहां पे हम लोग prelim point of view से current affairs को discuss करते हैं. Once a topic is done in this particular video or we can say in this particular series, your topic is done for that particular thing and अगर उससे related कोई भी question उसके related आता है आपके exam के अंदर, then you will be able to do it. आज का जो हमारा topic है, that is called Argo Floats. It's a technology, it's a program जो कि हमारे ocean की properties को measure करता है and we all know that earth के climate के अंदर oceans का एक बहुत major role है. तो वो कैसे उसका climate change होता है, ocean, how the oceans are behaving and इसको study करने के लिए this technology, this program is used. And this is a series to the point जहाँ पे हम लोग prelim specific current affairs को उठाते हैं. And if you wish to cover current affairs holistically, we have a course that is running. It is taken by me only. It's a current affairs course for pre as well as mains. वहाँ पे हम दोनों point of view से cover करते हैं. Discussion based class रहती है. Detail में हम जाते हैं, depth में जाते हैं, ताकि आपका कोई भी जो topic है, मान लो कुछ भी समथिंग सुप्रीम कोर्ट हैज़ डन, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, या गवर्नेंस में कुछ हुआ है, या इकॉनमी में कुछ हुआ है, तो उस करंट अफेयर को राइट देयर एंड देन एड्रेस कर देते हैं उस क्लास के अंदर एंड देन यू आर डन विद इट. यू विल सेव टाइम एंड साल के एंड में एक रजिस्टर बनेगा आपका जिसके अंदर से ही सवाल आएगा. अगर आपको आता हुआ सवाल तो आता है, नहीं तो पूरे इंडिया में किसी को नहीं आएगा. वो रजिस्टर हम ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं एंड यू गेट अ 7 days फ्री ट्रायल एज वेल. You can check it out. Link is in the description and it is available both in online and offline form. So convenience is there. Link is down there. Please check it out. अभी हम आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, which is Argo Floats. क्या है वो देखते हैं कि Argo is an international program that measures water properties across the world's ocean using fleet of robotic instruments that drift with the ocean currents and move अप एंड डाउन बिटवीन सरफेस एंड अ मिड वॉटर लेवल. दिस इज द सर्विस सरफेस एंड दिस इज द मिड वॉटर लेवल और इसके बीच में ये जो है वो मूव करता है और आपको उसकी जानकारी देता है. कौन सी जानकारी देता है, कैसे मूव करता है और हम क्या करते हैं उसका, क्यों इसको मेजर करना है, वो सब अभी हम देखते हैं. ईच इंस्ट्रूमेंट जिसको फ्लोट कहा जाता है, वैसे बहुत आयरोनिकल है कि ये पानी के अंदर रहते हैं एंड इट इज कॉल्ड अ फ्लोट. सो जस्ट अ पॉइंट टू थिंक अबाउट. ईच इंस्ट्रूमेंट स्पेंड्स ऑलमोस्ट ऑल इट्स लाइफ बिलो द सरफेस, है ना, तभी वो मेजरमेंट लेगा ओशन के अंदर से. द डेटा दैट आर्गो कलेक्ट्स डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर. सी वो बात कर रहे थे ना कि कौन सा डेटा करता है, डिस्क्राइब्स द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द वॉटर एंड सम ऑफ द फ्लोट्स मेजर अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द बायोलॉजी स्लैश केमिस्ट्री ऑफ द ओशन. द मेन रीजन फॉर कलेक्टिंग दिस डेटा इज टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द ओशन्स रोल इन अर्थ क्लाइमेट. ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ओशन करंट्स हो गए, टाइड्स होगी, है ना, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ओशन से रिलेटेड रहते हैं. तो द मिनरल्स फाउंड इन द ओशन, ओशियनिक प्लेट्स एंड ऑल, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसके ऊपर कि ओशन का हमारे अर्थ प्लैनेट के मोशन के ऊपर भी इफेक्ट है. तो उसको बेहतर समझने के लिए वी नीड मोर डेटा बिकॉज ओशन आर वास्ट. देखिए फॉर एग्जाम्पल द चेंज इन द सी लेवल वंस द टाइड्स आर एवरेज्ड आउट. टाइड्स मतलब हाई लो एवरेज आउट करने के बाद के जो चेंजेस है कि एक्चुअल चेंज कितना हुआ है, डिपेंड पार्टली ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स एंड पार्टली ऑन द अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इन द ओशंस. ठीक है, अब ये मेजरमेंट से पता लगेगा और आप पता लगा सकते हो कि कितना किसकी वजह से हो रहा है, क्या चल रहा है ना, एंड यू विल गेट रिलायबल डेटा, रिलायबल पॉलिसीज विल बी फॉर्म्ड. आर्गोस टेम्परेचर मेजरमेंट्स अलाउ अस टू कैलकुलेट हाउ मच हीट इज स्टोर्ड एंड टू मॉनिटर फ्रॉम ईयर टू ईयर हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट चेंजेस विद डेप्थ फ्रॉम एरिया टू एरिया. अगेन वही थोड़ी मैपिंग वगैरह सही करने के लिए. बाय द वे ये न्यूज में इसलिए आया कि एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली कि आर्गो सिस्टम they are not that reliable, they are not functioning well, है ना, तो उस ये एक negative context में news आई है, but वो news के बाद में ये चीज जो है वो current affair में जो है हमारी active हो जाती है. As the ocean heat content increases,
सी लेवल राइजेस जस्ट लाइक मर्करी इन अ थर्मोमीटर। वर्किंग देखते हैं इसकी कि ईच आर्गो फ्लोट जिसकी कॉस्ट इतने से इतने हैं, बट नॉट इंपॉर्टेंट, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द टेक्नोलॉजी इट इज लॉन्च फ्रॉम द शिप, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। पहले देख लेते हैं कि कैसा है। द फ्लोट्स वेट इज केयरफुली एडजस्टेड सो दैट इट सिंक्स एंड स्टेबलाइजेस एट अ प्रीसेट लेवल, यूजुअली 1 किलोमीटर। शिप से लॉन्च होते ही वो नीचे जाएगा, सिंक करेगा और 1 किलोमीटर पे जाकर स्टेबल हो जाएगा। इट विल अचीव इक्विलिब्रियम, डाउनवर्ड फोर्स एंड ब्योयंसी इट विल बी इक्वल एट अ किलोमीटर ऑफ डेप्थ यूजुअली। 10 days लेटर एंड इंटरनल बैटरी ड्रिवन पंप ट्रांसफर्स ऑयल बिटवीन अ रिजर्वायर इनसाइड द फ्लोट एंड एन एक्सटर्नल ब्लैडर। तो इससे आप जो है आपके फ्लोट की ब्योयंसी कंट्रोल करते हो कि इसको नीचे भेजना है या और ऊपर करना है, तो ऑयल को इन आउट करके आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। This makes the float first descend to 2 kilometer or niche and then return to the surface measuring the ocean properties as it rises. ये देखिए launch किया, उसके बाद में ये यहां पे 1000 meter, ये usual वाला जो बताया था, यहां जाके it sits for some time, 10 days है ना। उसके बाद में जो है आपकी जो batteries activate होंगी, it will dip further एंड एक बॉटम लेवल पे आके उसके बाद में इट विल राइज स्लोली एंड स्टेडिली और इस पाथ के अंदर इट विल गिव यू दी डेटा, टेम्परेचर, सेलिनिटी और इसके अलावा जो भी है आपको जो डेटा उसके अंदर होगा, कि अगर बायोलॉजी मतलब प्लैंकटन एंड ऑल केमिस्ट्री की पीएच लेवल और ये सब भी अगर मेजर करना है तो वो इस पाथ के दौरान जो है आपका मेजर हो जाएगा। और उसके बाद जब वो सर्फेस पे आएगा इट विल रिले द डेटा वाया सैटेलाइट्स। द डेटा एंड द फ्लोट पोजिशन आर रिले टू सैटेलाइट्स एंड देन ऑन टू रिसीविंग स्टेशन। ये ऐसे इसको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। द फ्लोट देन सिंक्स अगेन, रिपीट द 10-day साइकिल अंटिल इट्स बैटरीज आर एग्जॉस्टेड, यूजली 4-5 साल बाद। तो ये बार बार आपको मेजरमेंट देता रहेगा, करंट के साथ फ्लो भी कर रहा है, कभी इधर की मेजरमेंट कभी उधर की मेजरमेंट, यू विल गेट अ मैप कि व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना। तो दिस इज द टेक्नोलॉजी। नाउ अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ओशंस जो हैं, इट्स लाइक कि हमारे जैसे ओशन करंट्स होते हैं, ब्लड हमारी वेन्स में होता है, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। वैसे ही अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी एटमोसफेयर एंड ओशंस का बहुत बड़ा हाथ है। N number of things are there, so that's why we need such kind of data and Argo float helps in that. अब ये जो सवाल इसके अंदर बनेगा right now, क्योंकि आपने किया, you will find it really really easy. But otherwise, अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है, तो it is best left untouched. तो ये attempt नहीं करने होते ऐसे questions. Argo float program is related to which of the following? Number one, ये आप कर सकते हैं video pause करके if you want to attempt it. I'll just simply go to the right answer, which is ocean water properties measurement. इसमें अगर आप options देखोगे तो it says agriculture, drip irrigation, groundwater replenishment, weather balloon system by IMD. Everything मतलब यहाँ से जो है confuse करने के लिए बाकी 3 options आपको fake options जो है देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ऐसी ही game आपको जो है exams के अंदर UPSC and various PCS में देखने को मिलती है। These type of current affairs are कि अगर if you know then you know, otherwise it is to be left. I once again repeat, if you want to complete the current affairs holistically, pre and mains both, to ensure your selection, link is down there. My name is Rohit Garcha and this is Abhimanyu IAS.